पंडित जगन्नाथ की एक रागनी है जी, सतबुद्धि और शिष्टाचार से शंख बजाव कौन, चारों तरफ सन्नाटा है मेरा देश बचाव कौन। वेद शास्त्र में इस भारत को आर्यवर्त कया है, शिक्षा के क्षेत्र में यो सबका गुरु रहा है, एक और न अहिंसा दूजी और दया है, पर भूल भुलैया के चक्कर में आज सारा देश फया है। आज असली नक्शा भारत का खोल देखाव कौन, चारों ओर सन्नाटा मेरा देश बचाव कौन। कुछ मानस तुम्हारे देश में आन फरी में बढ़ गए, कुछ तो डरते भाजे थे, कुछ भूखमरी में बढ़ गए, ईसा ठिकाणा कित पावे जुनू दूब अरी में बढ़ गए, और माया कट्ठी करके सारे नेतागिरी में बढ़ गए, सब सरकार चलाना चाहो पर कार चलाव कौन, चारों ओर सन्नाटा से देश बचाव कौन। फिर नेताओं के बारे में कहा, आज वो ही राज करें से देश न वे चलावें से, दुश्मन सिर पर ललकारें पर ये जश्न मनावें से, कदे जन्मदिन कदे सम्मेलन धन खूब लुटावें से, और गरीब बेचारे रोटी बिन भूखे मर जावें से। फिर आखिरी में कहा, जगन्नाथ गरीब की ओड़ा बिन गरज लखाव कौन, चारों ओर सन्नाटा सा देश बचाव कौन। ये शेर उनका अगले लगता है वो गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। नहीं, गरीब ने कौन रोटी दे, गरीब का जब पुलाव आ गया थाली में तो इसका मतलब चुनाव आ गया। ये बहुत सी एक मेरे गुरु जी की रागनी थी जी, देख लिए दुनिया के रास्ते सुनकर न सम हो गया, सम का मतलब जड़ हो गया, मैं कुछ बोलन जोगा नहीं रहा। देख लिए दुनिया के रास्ते सुनकर न सम हो गया, इस कलयुग में सबसे ज्यादा पैसे में दम हो गया, शिक्षा के बेताज बादशाह खुली लूट मचा रहे हैं, शिष्य गुरु के नाते न ये कति बेच कर खा रहे हैं, डोनेशन और एडमिशन फीस ये पैसे की तो जा रहे हैं, इस अक्षेत्र में मास्टर तो थोड़े और दौड़पोस गणे आ रहे हैं, सुल्फे दारू के धंधे तो यो कौन सा कम हो गया, इस कलयुग में सबसे ज्यादा पैसे में दम हो गया। फिर था अभिनेता नेता सत्संगी स्वामी और देहधारी, बड़े डाकू ये हो रहे हैं छोटे से सरकारी, जब जज भी रिश्वत लेने लाग जा कित न्याय की आव बारी, बिन पैसे कोई काम चलाना बंदगी दुनिया सारी, भ्रष्टाचारी फड़ी देश में न्याय बात है गुम हो गया, इस कलयुग में सबसे ज्यादा पैसे में दम हो गया। फिर क्या करें, मेरे वर्गे कह दें पंचायत में बोल दे भाई मेरे लाख रुपये, पाँच फोन बंद आऊँ, फिर कलाकार कह दे मेरे बोल दे भाई लाख 50,000 तना भी दूंगा, कलाकार बढ़िया का पाँच टोए नहीं पाऊँ, फिर लाख हजार बुला कर ना दे, इसे किस्म के चंदे हैं, जो जितना ऊंचा जचा आदमी उतने कर्तव्य गंदे हैं, ये नेता कर रहे नाश देश का सबके गोरख धंधे हैं, जो भरी सभा में बूंडा गाँव इसे गाड़ियाँ बंदे हैं, आन कान मर्याद रही ना बड़वें का जम हो गया, इस कलयुग में सबसे ज़्यादा पैसे में दम। फिर मेरे गुरु जी ने खुद के बारे में बताया, उन्होंने 14 साल दारू पी के खराब कर दिए जीवन के, 14 साल तक खूब दारू पी, सब में बेच दिया ना रागनी गाई, लेकिन उसके बाद भी एक किडनी होते हुए भी दोबारा पीख पा गए, बताया कर्म गुरु जी ये कैसे, बोले मेरा कोई अच्छा कर्म करोड़ा था वो आगे आ गया मेरे, वो मानस तो बाद रहेगा जो ईश्वर तक डरया होया, अजमा लियो एक दिन फूटेगा घड़ा पाप का भरया होया, पाप पुन तो हर बंदे का मिलता है जैसा करया होया, बोला जैसे मैं फिर जिंदा हो गया 14 साल का मरया होया, रमेश कुमार राम गुण गाले बखत बेशरम हो गया, इस कलयुग में सबसे ज्यादा पैसे में दम। 14 साल दारू पी के जीवन के खराब करने के बाद, और उसके बाद नौकरी देखो कि ETO एक्साइज इंस्पेक्टर नूगा, अगर बोले मेरा साइन हो गया ना मेरे, जब दारू का ट्रक लिकड़ेगा इस गेट में होने लिकड़ा को नहीं बोले, ई बोले इतनी मौज हो रही पीनी छोड़ दी तो, अरे क्या बोले 2-2 रुपया पौवे मांग मांग पी आ करते, बोले क्या भैया हालात थे, बोले छोड़ दी तो बोले इतनी मौज हो गई, उम्र 64 के करीब होगी उनकी, क्योंकि 3-3.5 साल हो गए रिटायर हुए उनको, तो उन्होंने बहुत संघर्ष कराया, ऐसे त्यागी आदमी मैंने मतलब मैंने कोई साधु को भी नहीं देखा ऐसा त्याग करते हो जितना उन्होंने करे। 12 तत्व लक्षण में एक रागनी लिख दी, जिस रागनी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा का निर्माण होया था, देखो सबसे बड़ी बात 1966 में हरियाणा बनया ना, जब घोषणा हुई हरियाणा अलग बनावांगे, उससे पहले उन्होंने रागनी लिखी थी, गंगा जी के प्यार में सरस्वती कंठार में जमुना घग्गर धार में मेरा बसा देश हरियाणा से, चुड़ले की झनकारा में इस तरह की वो थी, कुलक्षेत्र के धामा में छोटे बड़े गामा में 24 घंटे कामा में मेरा बसा देश हरियाणा से, उन्होंने इन नदियों की ये परियोजना थी सारी उस रागनी में सम्मिलित करी, उस रागनी को पढ़ के सरकार ने हरियाणा का नक्शा तैयार करा था खाका। और एक ये था विकास जी जो पीपी पपैया बोले ये माई राम वाले का बताया, ये लक्ष्मीचंद के नाम से मशहूर हो गया, पीपी पपीहा बोलिया बाग में तेरा पिया कैसा बोल, रे पपैया बैरी न्यूमत बोले गजबी बाग में, वो याद करती है अपने पिया को, पपिया बोले ना, बोले तू ना बोले मेरे पिया की याद आवे है के बारे में। अब छोटे ऊ की मात्रा लागे तो सदा सारा छोटे सार, वो उनकी कविताई में वो खासियत थी, वो जी छोटा ऊ लग गया ना
तो छोटा ही मिला। इसको पिंगल की कविताई बोलते हैं, महारा वर्ग तो कविताई करण कित तो लिख दें रहूं कैफर नू दे कहूँ, वो शब्द बदल जाते हैं कई बार। वो उनकी ये कविताई की खास बात थी जी, शब्द मतलब एक एक शब्द ऐसा गहरा मिलेगा। मैं जब घर के गाड़ नहीं दिया करते ना, लक्ष्मी की किताब ले आया पॉकेट मनी बचा के, 350 रुपये आई थी उस टाइम। आप यकीन नहीं करोगे मैं रोया करता रागनी पढ़ पढ़ो, आप अकेले में बैठ के रागनी पढ़ लोगे ना, किसी भी कवि की पढ़ लो। मेहर सिंह की खासियत ये थी, उन्होंने आम जीवन को गा दिया। लक्ष्मी ने तो ब्रह्म ज्ञान गाया जो वेदों से निकला हुआ, मेहर सिंह ने तो लठ ला के ना वो ये कह दिया, जट्टा गाओ जमींदारा के धंधा ठहरिया सा, कितने बैठ कर उमरट ने क्यों धक्के खा रहा है, कोई कहे सुतरी गाओ है, कोई कहे यो कुछ ना गाता, कोई कहो बढ़िया गा रहा है। तो वो बोला जाट मेहर सिंह किस किस की तो गैल मरेगा लड़के है। तो उन्होंने उनकी खासियत ये है कि उन्होंने आम जीवन में जो बीती ना हो वो ही रागनियों के माध्यम। मैंने कहीं किसी पे सुना जो ये आपने रागनी सुना है ना कि चमचम चमचम चमके लगे, तो अब उसने वैसे तो दिखा है श्रृंगार रस की, लेकिन किसी के मुंह से मैंने सुनी कि ये जो रागनी थी ना लक्ष्मीचंद की डेड बॉडी रखी है, मांगेराम वहां पे बैठा हुआ है और उसके चेहरे को देख कर ढके उड़को, और फिर उसने रागनी, ये रागनी मांगेराम की ही है, लेकिन उन्होंने समर्पित अपने गुरु को कर दिया, गुरु को करके कि चमचम चमचम चमके लागे, मोती चमके सेरे पर गए, मोती चमके सेरे पर को मरे हुए के भी कि मोती चमके अंडे डाल मंडेरे पर को सुनो, ये लास्ट में फिर कई ना मांगे मौत के हां उसको कहना संबोधित थे, वो उसने कहा ना किसने लेना ये दूं, पर जो वो ही ना दे पा तो वो ही आता है, पर वो ही अंडा लाग रहे कि टाड़े बैठी है नहीं। उन्होंने लास्ट में कही भी फिर प्रेम का बोल मेरा झिल जाता है, तेरे इश्क का फूल खिल जाता है, और गुरु लक्ष्मीचंद मना मिल जाता जान वार दू तेरे पर गए, बोले एक बार लक्ष्मीचंद मना पा जाए मैं मेरी जान वार दू इस पर, मेरी जान तू ले ले।